रख लीजिए, कितना सत्यता है आप बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामजी राजभर है, रामजी राजनगर विधानसभा से आजमगढ़ से हूँ। अच्छा, आजमगढ़ से है। तो हम लोग ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में बहुत संघर्ष किए, लेकिन संघर्ष करने के बाद नतीजा यही आया, जब दाढ़ी पक गई। जी जी, दाढ़ी तो पक गई है, लेकिन जब हम लोगों को चुनाव जीतने का टाइम आया, मैं नगर सीट खाते में मिली और हमने कहा कि सर जो है कि पार्टी के एक कार्यकर्ता दिलीप सरोज जी है, उनको बढ़िया कार्यकर्ता, उनको लड़ा दीजिए और हमारा समाज का उद्धार हो जाएगा। अगर एक विधानसभा के विधायक अगर निकल गया तो हम लोग पूरा सब लोग जो है कि उसमें सुधर जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारा विषय है और वहाँ पे जाने के बाद जूता चप्पल की बात कर दिए लखनऊ। अच्छा, आप लोगों को? हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी। जी जी, जूता तक उनके बेटे ने जूता तक निकाल लिया कि भग जाओ इस तरह, सिर्फ इतना सवाल किए थे। आप किए थे? नहीं नहीं, दिलीप सरोज जी। हाँ, उन्होंने कहा कि एक काम करिए सर कि हमें नहीं लड़ा रहे हैं तो कम से कम पार्टी के किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिएगा, जो भी हमारी बिरादरी का हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो। तो उन्होंने कहा कि जो है कि उठो उठो भगो यहाँ से, जल्दी भगो जो है कि नहीं तो अभी जूता से बात करेंगे, राष्ट्रीय सब अध्यक्ष इस तरह बात नहीं की जाती। हम लोग वहाँ से आए, उसके बाद झंडा डंडा फूके, इसके बाद हम लोग स्थगित हो गए, हम लोग कुछ नहीं बोले। जब महेंद्र राजभर जी, अच्छा, इनके साथ मैं जब महेंद्र राजभर जी कहा, जब पार्टी बनाए ना, किसी पार्टी अपना पार्टी को दूंगा। आपका नाम क्या है? मैं मुन्ना राजभर, ग्रामीरनी, तहसील लाल मतलब जूता से मार के भगा दिया गया। जूता से बोले, जूता से मारे कि न किसी कार्यकर्ता को टिकट दूंगा, न किसी राजभर समाज को टिकट दूंगा। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। मैं पार्टी बनाया हूं, हमसे किसी से मतलब नहीं है। मैं टिकट उसी को दूंगा जिसको मैं चाहूंगा, वो किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया। अब आप लोग किस दल में आ गए? इसके बाद जब महेंद्र राजभर जी ने पार्टी बनाया, पार्टी बना बनी है, जो भी हमारे साथ पार्टी में आ गए। बात वो तो कहते हैं खंडन खंडन हो जाएगा, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं महेंद्र राजभर खत्म हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा वो हो जाएगा। खंडन के साथी थे, खंडन हो चुका, लोगों के साथ हैं, हो जाएगा। और जितने समाज के साथी थे, हमारे कार्यकर्ता थे, सारे लोग हम लोगों के साथ हैं। आप कहते हैं महेंद्र राजभर है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तीन तीन बताया जाता है कि सुर्खियों से पता चलता है। मैं नहीं कहता हूँ, आपके लोग ही कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। प्रकाश राजभर का होगा और तीसरा कोई नहीं कहा। अल्लाह देख रहे हैं सुर्खियों में, अभी पेपर पत्रिका कहिए, मैं आपको निकाल के दूँ। चलिए, हमारे पास विश्वास नहीं मत करिए, लेकिन पेपर पत्रिका झूठ बोलेगा क्या? पेपर में लिखाने वाले झूठा है, जो लिखवाया वो झूठा है। हाँ। उससे पूछा जाए कि ऐसा झूठा क्यों लिखवाया तुमने, मतलब वो नहीं है? नहीं है। तो किस बेस पे मानते हैं कि महेंद्र राजभर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, बेस पर हम नहीं मानते उनको। हाँ। उनका बेस बन चुका है। हाँ। 13 महीना में 2002 से 17 तक वो नहीं बना पाया, और 13 महीने के अंदर ने महेंद्र राजभर पूरे समाज को इकट्ठा कर दिया। अच्छा जी, अब देख रहे हैं महेंद्र राजभर, ये लोग चिल्ला रहे हैं, हकीकत क्या है? देखिए नेता जी, एक और है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार राजभर है। संजय कुमार राजभर जी, किस दल के हैं आप? हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं। प्रदेश प्रभारी? तो आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, की बस प्रभारी बन गए? एकदम पता है। कौन है? हरीश राजभर। तीन ऑप्शन होता है, पढ़े लिखे है ना आप, तीन ऑप्शन होता है हमेशा, ए बी सी, आप बताइए किसको लेते हैं। चलिए, हम महेंद्र राजभर को लेते हो तो फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ठीक, अगर लगाना होगा कि नहीं आप स्टूडेंट हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के, और ए बी सी आपको दिया जाता है, महेंद्र राजभर, बृजेश राजभर और क्या होता है कि हरीश राजभर, किस पे आप जाएंगे? हम ट्रिक लगा देंगे महेंद्र राजभर को, फेल हो जाएंगे तब? नहीं नहीं, पहले लगा दिए हैं, लगा दिए, फर्जी है। हाँ। अब फर्जी होबे करता, हर चीज में वैरायटी फर्जी होता है, तो उसी तरह वो फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अच्छा, डंकलवा में है का वो? डंकल से भी डंकल है। अच्छा, अब देख लीजिए, अब तक देसी आपने सुना होगा, लेकिन डंकल कुछ डंकल भी लोग आया, डंकल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मतलब किसी को मालूम है नहीं है। जब 14 साल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने और सुहेलदेव स्वाभिमान, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना करके लोगों को ठगने का काम किया, तो महेंद्र राजभर जी को हम लोगों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई, पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाई सबके साथ गलत, आप लोग का काम सिर्फ डंडे में झंडा लगाना था कि नेता बनने का था, आप लोग बैठ के डंडे में झंडा लगाए। देखिए है बहुत पुराना ये है, और वो ये लोग बैठ के सुहेलदेव पार्टी का डंडा में जो झंडा लगाते थे, मेरे सामने की बात है, पूछ लीजिए। हाँ, ये लगाते थे, लेकिन सही है ना भाई?
उनका एक को कम में था कि मतलब तो आप लोग नेता लायक है ये नहीं है, वो कहते हैं कि बस दारू पियो, तू लोग दारू पी लो ठीक है ना, बेटे नेता लायक है बैठा लीजिए, हम लोग भी ग्रेजुएट आदमी है अच्छा? उनको बैठा लीजिए, समझ पढ़ने की क्या जरूरत है महाराज, यहाँ वो सिर्फ दारू पी के लड़ने की जरूरत है। हाँ तो वही सिखाए हैं ना, वही सिखाए हैं क्योंकि वही पहले करते थे तो वही बताते हैं कि ये सब स्वाभिमान वाले 6 बजे जो है कि गाड़ी पे लाते हैं, जब उस समय लादते थे तो उनको हटा देना चाहिए था कि ये आप लोग पियक्कड़ है आप लोग हट जाइए, लेकिन नहीं हटाए। जब महिंदर राजभर जी ने सुहेलदेव स्वाभिमान अच्छा बात कर दिया जाए चाचा जी नेताजी, अगर बात करते हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, क्या लगता है आपको कि आप लोग के मंजिल तक पहुंचा पाएगी? एकदम पहुंचा। अरे ओम प्रकाश राजभर भी तो यही कहते कि हम राजभरों को राजभर बना देंगे, लेकिन नहीं बना पाए, तो किस बेस पे आप मानते हैं कि महेंद्र राजभर आप लोग को आप लोग के लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे? क्या सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जो है ये वास्तव में गरीबपुर से चलकर ट्रेन अमीरपुर जाएगी, सबको अमीर बनाएगी। अच्छा, या किस तरह बनाएगी? जैसे इनका बेस है कि गरीब दुखिया लाचार का कोई अगर बात उठाता है तो महेंद्र राजभर जी उठाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी स्नातकोत्तर तक मुक्त शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय पे तकनीकी शिक्षा। अरे अभी जाएंगे सदन में पहुंचेंगे तब तो कर पाएंगे कि ऐसे हवा हवा का तो सभी देते हैं। हम भी आएंगे तो कहेंगे भाइयों बहनों मैं ये कर दूंगा। नहीं भाइयों बहनों नहीं, जब इनका सोच है, सोच बताते हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, मैं जाऊंगा सदन में तो यह सब जो है कि काम करवाऊंगा, इसीलिए हम लोग इनके साथ लगे हुए हैं, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं। और पूर्व की जो पार्टी थी वो तो अपना रास्ता भूल गया, वो भूल गए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कि हम जो है कि राष्ट्रीय हम समाज की लड़ाई लड़ने आए थे, वो ब्राह्मणों और क्षत्रियों का लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ इन लोगों के बातों से लगता है कि महेंद्र राजभर जी इन चेहरे को इनको गौर से पहचानिए, ये बहुत डंडे में झंडा लगाते थे अरविंद राजभर जी, बैठ के अरविंद राजभर महेंद्र राजभर ये तो कह ही देंगे कि महेंद्र इन्हीं का हाथ है महेंद्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में। सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है। पार्टी कहाँ बदलवा दी है? जितेंद्र भाई पहले आपका बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल का। जी जितने दर्शक सुन रहे सभी लोग का स्वागत। जितेंद्र भाई जब मैं 12-13 साल का था तो ओम प्रकाश राजभर पार्टी बना के आए तो उस समय मैं अपने पढ़ना स्कूल था हमारा प्रज्ञा सरस्वती शिशु मंदिर, उसमें हमारी छुट्टी हुई 3:30 बजे तो ये भाषण दे रहे थे पल्ला मोड़ पे, तो हमारी छुट्टी हुई तो मैं इनका जाकर भाषण सुनने लगा। ये ओम प्रकाश राजभर इन्होंने कहा कि मैं ओम प्रकाश राजभर हूँ, मैं बनारस से चल के आया हूँ, मैं एक पार्टी बनाया हूँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, और इस पार्टी बना के मैं राजभर समाज के बेटा बेटी को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाने का काम करूँगा, और राजभर समाज के बेटा को सांसद विधायक मंत्री बनाऊंगा, और मैं 33 करोड़ देवी देवता को पूछ कर चला हूँ, मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना तो मेरे परिवार मेरे खानदान से कोई चुनाव लड़ेगा, और मैं असल बाप का बेटा हूँ, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इनकी बात सुना मैंने, कहा कि नेता सही है, मैं इनके दीवाना हो गया। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करते हुए मैं इनके साथ, मैं और इनका ड्राइवर सुरेश राजभर था, ये जहाँ गए होंगे पूरा उत्तर प्रदेश अगर बिहार का भ्रमण किए होंगे तो मेरी उम्र इनको मैंने 20 साल अपनी उम्र इनके साथ संघर्ष में दिया हूँ। इनके बेटे अरुण अरविंद जो हैं, जब इनके घर में जाता था तो ये लोग अपने घर पर पढ़ाई लिखाई करते थे, और मैं संघर्ष करता था इनके पिताजी के अरुण अरविंद के पिताजी के साथ, और ये नेता लड़ाई तो पहले सही लड़ा कि मैं राजभर का नेता हूँ, और हम लोगों ने इनका साथ दिया। जब ये आदमी जब इनके बेटे दोनों बड़े हुए, इस व्यक्ति को परिवारवाद मुँह में ये आदमी फंस गया, और इसको ना तो कोई कार्यकर्ता दिखा और न ही राजभर समाज के लोग, सिर्फ ये बाप बेटा के मुंह में फंसने के बाद सिर्फ अपना परिवार का काम किसी एक भी राजभर के बेटा को एक पीढ़ी खत्म कर दिया इन्होंने। अच्छा। लेकिन एक भी राजभर के बेटा को चपरासी नहीं बनाने का काम किया, और मैं
पार्टी बनाने में अहम भूमिका हमारी रही है, इसलिए मैं महेंद्र राजभर को गाइड भी किया कि जब माननीय अखिलेश जी 17 सीट दिए थे गठबंधन में, तो ये व्यक्ति एक पहले से सूची बना के रखे थे और महेंद्र राजभर को थमाए सूची, और थमाने के बाद महेंद्र राजभर ने पढ़ा और सूची में सब के सब बाहरी नाम थे। उन्होंने कहा महोदय जी जो पार्टी बनाए हो सूची इसमें सब के सब बाहरी है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। और उसके बाद 2 घंटा तक मीटिंग चलती रही। महेंद्र जी ने कहा और हम लोग जितने 19 लोग थे, हम लोगों ने कहा महोदय जी कम से कम 7-8 कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाइए, 2-4 राजभर को चुनाव लड़ाइए, क्योंकि बसपा भी राजभर को लड़ा रही है, सपा भी लड़ा रही, भाजपा भी। अभी अगर बात कर लिया जाए अरविंद भाई तत्कालीन, चलिए तो कहानियां बहुत लंबी हम जानते हैं, लेकिन तत्कालीन अगर बात कर लिया जाए तो जिस तरह से रिमर फैल रहा है कि 3-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पर आपका क्या राय रहेगा? 3-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के महेंद्र राजभर जी है। और रही बात पार्टी का रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन से ही लोग प्रूफ करते हैं, अब किसी का खेत है, वही चीज वही, अब जैसे अब जमीन है किसी बिल्कुल, का बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो जमीन हमारे नाम है तो आप कहेंगे कि हमारा है, वो तो सर्टिफिकेट आ जाएगा चुनाव के पहले, खसरा खतौनी रहेगा तभी तो हो जाएगा। और वो प्रूफ लेके हम आपसे मिलेंगे, और क्या कहे हम लोग दावा कर रहे हैं, और हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी है और हैं रहेंगे भी। चलिए अब इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। क्या नाम है आपका? राजू राजभर। विधानसभा दीदारगंज। अरे बाप रे बाप, क्या है आप पार्टी के? तो राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? महेंद्र राजभर। ब्रिजेश राजभर और हरीश राजभर कौन है? वो लोग बेकार हैं। बेकार है मतलब है ना? नहीं वो तो फर्जी काम किए हैं ना। नहीं अरे वो भी तो कहते हम है राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम है राष्ट्रीय, दावा तो करेंगे ही। हाँ। जब निकाल दिए गए हैं पार्टी से दावत रखेंगे ही, तो कल आपको भी पार्टी से निकाल दिया है तो आप कहने लगे हम तो इस्तीफा दे देंगे, निकाल देंगे, हम इस्तीफा दे देंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। कहेंगे नहीं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? नहीं कहेंगे, कहेंगे कि राष्ट्रीय महासचिव है तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं? नहीं कहेंगे भाई, हम निकाले जाएंगे तो कैसे? क्या प्रूफ है आपके पास कि नहीं कहेंगे? प्रूफ अब हमसे बड़ा प्रूफ कौन हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्या है? हमसे बड़ा तो ग्रुप कोई नहीं है। नहीं है? नहीं है। हम जब तक रहेंगे जिएंगे तब तक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी में रहेंगे, कसम खा रहे हैं। चाहे राष्ट्रीय दक्षिण एकदम हाथ उठा के खा लीजिए, मैं चाहे एकदम दक्षिण हाथ उठा के खा लीजिए ना रहूं, लेकिन मैं हमेशा उसी तरह दक्षिण एक बार हाथ उठा के कसम खाइए। मैं तो हूं कसम खा गया कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर को मानता हूं। बदलेंगे तो सोच लीजिए, बदलेंगे नहीं, हम असली राजभर हैं। अच्छा कहेंगे डंका के चोट पे कहेंगे।